नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, कैसे स्थिति बनी रहेगा, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। इसे बता दीजिए, मेवा या तो ग्राम प्रधान को उतरी। मेवा जी, क्या मामला है आपका? मामला है सर कि हमारे यहाँ जो है कि अमृत सरोवर तालाब सिलेक्शन किया गया है, जिसमें 50% काम कर लिया गया है, और उसको जो है कि बगैर प्रधान, बगैर ग्राम सभा के मेंबर, ग्राम सभा के सदस्यों, ग्राम सभा के लोगों के सहमत असहमति के कारण जो यहाँ पर हम सहमत नहीं है कि उसको पट्टा किया जाए, और हमारे लेखपाल भी प्रस्ताव नहीं दिए हैं, प्रधान भी प्रस्ताव नहीं दिए हैं, और उस तालाब को जबरी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उसको जो है कि पट्टा पर चढ़ा दिया गया है। उसको हमारे गांव सभा में उसको पट्टा करने से पूरे गांव के लोग परेशान हैं, पूरे गांव हमारा पूरा गांव ये चाह रहा है कि उस तालाब का पट्टा नहीं किया जाए, जिसका अराजी नंबर अराजी संख्या 333 है। मेवालाल जी, किस अधिकारी के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव दिया गया है? सर, मैं अपना वो करके तहसीलदार SDM साहब के यहाँ गया था उसको बताने के लिए, और लेटर लेकर के गया था। लेटर जो है हमारा नहीं लिया गया, वापस कर दिया गया। फिर भी मैं जा करके बाबू के यहाँ ऑफिस में उसको लेटर को मैं दिया हूँ, पूरे उस तालाब का फोटो और जितने कार। कितना बजट खर्च किया गया उसको? 50% बजट खर्च कर दिया गया है, जितना सरकार का लागत है 29 लाख कुछ है, इसमें से 50% का काम कर दिया गया है। पेमेंट उतना नहीं हुआ, पेमेंट मुश्किल से 2 लाख या 2.5 लाख रुपया किया गया है। बाकी जो है कि अभी कुछ विधायक निधि से भी काम हुआ है, उसमें इंटरलॉकिंग सीढ़ी ये सब जो है कि विधायक निधि से बनाया गया है, अभी उसका भी पैसा बजट पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो है कि मत्स्य पालन के लिए जबरी जो है कि दे दिया गया है। बता दीजिए। मेरा नाम भगन राम बिंद है और ग्राम कौतरी का निवासी हूँ। भगन जी, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे गांव में एक तालाब है, जिसका हमारे गांव के सभी लोग धार्मिक या सांस्कृतिक हर एक रूप में उपयोग करते, और उस तालाब को हमारे गांव सभा की अनुमति, हमारे गांव के प्रधान की अनुमति के बिना और बगैर प्रस्ताव के बिना मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु पट्टे की तिथि निर्धारित की गई। तो आज हम चाहते हैं कि उसका, उस तालाब का कभी पट्टा न हो, जिससे कि हम उस तालाब का हमेशा सार्वजनिक उपयोग करते रहे और हम अपने धार्मिक क्रियाकलाप उसमें स्वतंत्रता पूर्वक करते रहे। पर्चे बता दीजिए। मेरा नाम नथुनी शर्मा, ग्राम सभा कौतरी। नथुनी जी, क्या मामला है आपका? मामला ये है सर कि ये हमारे गाँव का तालाब पोखरा जो है, जो कि सभी लोग इसका ये उपयोग करते हैं धार्मिक स्थल से, वहाँ माताएं छठ करती हैं और वहाँ पशुओं के लिए भी हर व्यवस्था है, पानी पीने के लिए चाहे कुछ भी हो, इसलिए हम लोगों के लिए हर बाधित है। पूरे ग्राम सभा के लोग, ये प्रशासन के लोग अपने मनमानी तरीके से इसका पट्टा कर रहे हैं, न प्रधान की संस्कृति है, न लेखपाल की संस्कृति है। सर, हम लोग यही चाहते हैं कि इस पट्टे को नहीं किया जाए, और पूरे गांव के लोग चाहते हैं कि यह पट्टा निरस्त कर दिया जाए।